चुनाव आयुक्त यानी ईसी के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए। 24 नवंबर को नियुक्ति की फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुण गोयल की नियुक्ति बिजली की गति से हुई, इस प्रक्रिया में 24 घंटे से भी कम समय लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की, आइए जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू करने के दूसरे ही दिन यानी 19 नवंबर को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। यही वजह है कि बुधवार को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मई से ये पद खाली था और जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो इस तरह से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गोयल की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। अगले दिन यानी गुरुवार को केंद्र सरकार ने अरुण गोयल की नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सौंपी। इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल बिजली की रफ्तार से क्लियर की गई। जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दे दी जाती है और प्रधानमंत्री भी नाम को मंजूरी दे देते हैं। ऐसी अर्जेंसी क्या थी जो सारा काम एक दिन में ही करके नियुक्ति दे दी गई। हमें भी पता है कि कुछ काम बिजली की रफ्तार से करने पड़ते हैं, लेकिन यहां तो वैकेंसी 15 मई से थी। सरकार की ओर से पेश हुए अटर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने बताया कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक तेज प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। उन्होंने दावा किया कि आमतौर पर ये प्रक्रिया 3 दिनों से अधिक नहीं चलती है। इस बार नियुक्ति की गति एजी के रूप में उनके परामर्श के कारण भी आई। इसके बाद लंबी चली बहस के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट की ओर से सभी पक्षकारों को लिखित दलीलें देने के लिए 5 दिनों का समय दे दिया गया। आपको बता दें कि साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।